भुवनेश्वर में चल रहे नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का तीसरा दिन बेहद रोमांचक रहा। तीसरे दिन अनुभवी एथलीट्स आमने सामने रहे। तीसरा दिन युवा और अनुभवी एथलीट्स का मिश्रण रहा। युवा और अनुभवी एथलीट्स पोडियम पर मेडल के साथ खड़े होने के लिए अपने अपने पेट इवेंट्स में एक दूसरे को हैवी कॉम्पिटिशन्स देते दिखे। भाला F46 वर्ग में हरियाणा के रिंकू हुड्डा ने 65.69 मीटर फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ वो दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ थ्रोअर बन गए। रिंकू हुड्डा का अगला टारगेट एशियन पैरा गेम्स है। आज मैंने अपनी परफॉर्मेंस ये लगा लो, आज मैंने अपने बेस्ट थ्रो किया 65.69। आज मेरी वर्ल्ड में सेकंड रैंक आई है मेरी आज। इससे मेरे को मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आएगा क्योंकि अगले 3 महीने बाद एशियन गेम की ट्रायल है, मैं उसके लिए अपनी तैयारी करूंगा। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और F64 वर्ग में भाला फेंकने वाले सुमित अंतल भी तीसरे दिन एक्शन में थे। भीषण गर्मी और टेम्परेचर हाई होने के बावजूद युवा वर्ग का साहस अदम में रहा। आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडल विनर सुंदर सिंह गुर्जर फिलहाल चोट से उबर रहे हैं। 2008 के ओलंपिक्स हुए थे जिसमें सुशील कुमार पहलवान विजेंद्र सिंह बॉक्सर इनके मेडल आए थे, तो उनको मैं टीवी पर देख रहा था, अखबार पर देख रहा था, उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। तो मैंने सोचा एक दिन मैं भी ऐसे ही खिलाड़ी बनूंगा बड़ा, तो मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे स्पोर्ट्स करना है। और तभी से मैंने स्पोर्ट्स 2008 से स्टार्ट किया। 2014 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद पैरालंपिक्स में खेला। तो मैं 2016 का पैरालंपिक्स भी खेलने गया था रियो में, बट वहाँ 52 सेकेंड लेट होने के कारण मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, जबकि मैं वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर चल रहा था। उसके बाद मैं 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, 2018 एशियन गेम्स में भी 2 मेडल जीते जेवलिन और डिस्कस में, 19 में फिर दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बना, 20 में 2020 ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आशा है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी गिरते हैं तो कभी ऊपर भी आते हैं। हरियाणा के एक अन्य एथलीट मोनू घणघस ने 2014 में टाइफाइड से पीड़ित होने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। मोनू को अपना बच्चा मानने वाले उनके पड़ोसी जय सिंह ने 2017 में उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया था। जब आंखों की रोशनी चली गई तो मैंने सोचा क्यों ना ये छोटा मोटा स्पोर्ट्स करा जाए, क्योंकि इनके घर के इनके भाई भी अच्छे खिलाड़ी रहे कबड्डी के। इनको मैंने धीरे धीरे स्पोर्ट्स में शुरू कर दिया। तो पहली बार ये जयपुर गया तो वहाँ जयलिम ने इसका फर्स्ट पोजिशन आया, शॉर्ट पुट और डिस्कस में इसकी पोजिशन नहीं आई। फिर बाद में हमारे एशियन गेम में जेवलिन थ्रो थी नहीं, तो हमने शॉर्ट पुट और डिस्कस की प्रैक्टिस करी, तो 2 मेडल हमने एशियन गेम में दिए। मोनू ने पहले ही 2 पदक जीते हैं, डिस्कस में 1 रजत और 2018 पैरा एशियाई खेलों में शॉर्ट पुट में 1 कांस्य। पहले भी मेरे 2 मेडल रहे हैं, डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल था और शॉर्ट पुट में ब्रॉन्ज मेडल था। अब की बार मेरा नेक्स्ट टारगेट गोल्ड मेडल का है। नेशनल चैंपियनशिप के बाद अधिकांश पैरा एथलीट 2022 पैरा एशियाई खेलों में पोडियम फिनिश को लक्षित कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि समापन दिवस में पुरुषों और महिलाओं की लंबी कूद और 200 मीटर स्पर्धाओं के फाइनल होंगे। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।